माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी की जो पूरे देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, उसी में राजस्थान यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अभिमन्यु पूनिया जी और हमारे IYC से पधारी प्रभारी प्रियंका तनप जी की मौजूदगी में आज अजमेर दक्षिण से ये हमने शुरुआत की है। हमारे अजमेर के अंदर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष और हमारे बड़े भाई विधायक अभिमन्यु पूनिया जी कल शाम को अजमेर पधारे थे। कल हमारे अभिमन्यु पूनिया जी ने अजमेर ज़िले की सभी कार्यकारिणी की बैठक भी ली और आज पूरे प्रदेश और देश के अंदर जो अभियान चल रहा है रोजगार दो न्याय दो, उसके तहत पूरे प्रदेश के अंदर रोजगार दो न्याय दो के घर घर जाके यूथ कांग्रेस फॉर्म भराएगी और डोनेट फॉर न्याय के नाम पे 67 रुपीज़ प्रत्येक घर से लेकर और हम राहुल गांधी जी कांग्रेस को और मजबूत करेंगे। और इसी के तहत आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूरे राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम अजमेर शहर में अजमेर दक्षिण के अंदर वार्ड नंबर 21 बूथ नंबर 19 पहाड़गंज से फार्म भराकर रोजगार दो न्याय दो का फार्म भरा के इस अभियान की शुरुआत करी और अब अजमेर युवा कांग्रेस वे हमारे विधानसभा अध्यक्ष के साथ मिलकर पूरी अजमेर की युवा कांग्रेस घर घर जाकर रोजगार दो न्याय दो का पंजीकरण फार्म प्रत्येक बेरोजगार युवा से फार्म भराएगी और हम फॉर्म भराते हुए पूरी अजमेर युवा कांग्रेस के साथ में अजमेर के युवाओं मिलकर ये संदेश देंगे कि मोदी जी ने जो जुमलेबाजी करी थी पिछले 10 सालों से जुमलेबाजी जो कर रहे हैं वो कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, उसका विरोध करते हुए आगामी चुनाव के अंदर कांग्रेस को मजबूत करेंगे। आज कौन कौन मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं? आज के कार्यक्रम के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अभिमन्यु पूनिया जी, वे हमारे अजमेर के कोऑर्डिनेटर मैम प्रियंका सनप जी, वे हमारे अजमेर के संभाग प्रभारी अरबाब खान जी, वे प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ पर युवा कांग्रेस से सभी आज उपस्थित थे, वे हमारे सुनील लारा जी जो PCC के अंदर सेक्रेटरी भी हैं और बाकी शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का वो सब आज मीटिंग के अंदर उपस्थित थे। देखो, पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से युवा बेरोजगार है, किसानों को ठगा जा रहा है, केंद्र की मोदी और शाह सरकार ने पिछले 9.5 सालों में सिर्फ गुमराह करने के अलावा, युवा और किसानों को ठगने के अलावा कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे युवा को रोजगार मिल सकता है। यूथ कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी अभियान रोजगार दो न्याय दो लगातार हमारा राज्यव्यापी में चल रहा है, राजस्थान के अंदर चल रहा है। आज अजमेर जिले में उसकी शुरुआत अजमेर दक्षिण की विधानसभा बूथ नंबर 19 से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पवन ओर जी की बूथ नंबर से आज शुरुआत की है। इसमें न्याय यात्रा को डोनेशन के लिए, डोनेट करने के लिए, आम गरीब किसान परिवार को मजबूत करने के लिए 67 रुपये हर घर से युवा कांग्रेस मांगने का काम करेगी, इकट्ठा करने का काम करेगी, एकत्र कर कांग्रेस पार्टी को मजबूती के लिए, आम गरीब किसान परिवार के मजबूती के लिए हर घर चंदे के नाम पर युवा कांग्रेस जाएगी और रोजगार दो न्याय दो के नाम पर हर घर पर हम युवा साथियों से फोरम बनाने का काम करेंगे। क्योंकि 9.5 सालों में हम ये देखना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो वादे युवाओं से किए थे 2 करोड़ रोजगार का, वो वादा सिर्फ बोलने में अच्छा लगता है मोदी जी की आवाज़ से, लेकिन एक भी वादा उन्होंने युवा साथियों से, किसानों से किया हुआ आज तक पूरा नहीं किया। आज महंगाई, आम गरीब महंगाई के चरम सीमा पर है देश के अंदर, किसान साथियों को समर्थित मूल्य अपनी फसल का नहीं मिल पा रहा है, युवा साथियों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो हर वर्ग इस सरकार से त्रस्त है। उसको लेकर घर घर जाने का काम यूथ कांग्रेस के साथी समस्त विधानसभाओं में, राज्य भर में ये अभियान हमारा चलेगा, इसी के तहत आज हम यहाँ आए। जी, देश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ अखिल भारतीय युवा कांग्रेस ने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है रोजगार दो न्याय दो। इस कैंपेन के तहत हम युवाओं का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, इसके साथ ही हम डोनेट फॉर न्याय जो न्याय यात्रा चल रही है उसमें अपना सहयोग देने के लिए हर मिनिमम अमाउंट 67 रुपीज़ का डोनेशन हम हर किसी से ले रहे हैं। तो ऐसे 2 कैंपेन हम चला रहे हैं और इसी कैंपेन की शुरुआत हम इस वार्ड से कर रहे हैं। डोनेट फॉर देश, माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी की जो पूरे देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, उसी में राजस्थान यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अभिमन्यु पूनिया जी और हमारे IYC से पधारी प्रभारी प्रियंका सनप जी की मौजूदगी में आज अजमेर दक्षिण से ये हमने शुरुआत की है। इसके तहत यूथ कांग्रेस प्रत्येक बूथ पर
670 रुपए जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो इसमें डोनेट फॉर न्याय और डोनेट फॉर देश के तहत अपना योगदान देंगे। इसी के साथ हमारी जो एक मुहिम है रोजगार दो न्याय दो, उसका आज यहाँ से आगाज किया गया, जिसके अंतर्गत प्रदेश की जो भाजपा सरकार है उसने यहाँ पे सत्ता में आते ही 55,000 युवाओं को बेरोजगार किया। इसके खिलाफ हम लोगों की ये मुहिम है और ये मांग है कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार दे। प्रत्येक विधानसभा में, हर बूथ पर, गांव में, पंचायत पर हम जाकर रोजगार दो न्याय दो की मांग करेंगे। इसके तहत 25 लोकसभाओं में मशाल रैलियों का आयोजन किया जा रहा है और इसी के साथ अग्निवीर योजना जो केंद्र की सरकार ने चलाई है उसका विरोध करते हुए हम जो सामान्य साधारण भर्ती है देश के सैनिकों की उसको अग्निवीर में उसको कन्वर्ट किया जाए उसकी हम मांग कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारे ये 4-5 कार्यक्रम हैं जो हम यहाँ जारी किए गए हैं।